नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानक स्वागत मुझे आपण मानी पणस कठा आलु कसा बनेबी मुझेमती पणस कठा आलु कसा बनेबी आपत एमती पणस कठा आलु कसा बनेबे आपणकर पणस कठा आलु कसा पूरा मांस कसा भाया लगे जदि आपन को यही पणस कठा आलु कसार रेसीपी भल लगे तालाकु लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे चलतु प्रस्तुत करने आज रेसीपी पणस कठा आलु कसापी मुझे 500 ग्राम पणस कठा को बड़ बड़ खंड कर हिसाब से पणस कठा को छोट कि बड़ खंड कर मेटी तीन टा मीडियम साइज आलुर ऊपर चोपा को छड़े आलु को मेटी टी बड़ बड़ खंड कर चाहिए आलुर ऊपर चोपा को न छड़े पारती पणस कठा आलुर क्वांटिटी आपण हिसाब से कम बेसी करें मेटी गोटे कड़े तीन ग्लास पा दे गरम होगा रखी एवं आम पानी रे गोटे छोट चमच लुण पकईवा आधा छोट चमच हलदी गुंड पकईवा सबको भल भाव मिक्स करी आमे पानी को हाई फ्लेम रे फुटवाई छाड़ दबा पानी ये भल भाव दुई रु तीन मिनिट पर्यंत फुटिगला एम एटिक रखि पणस कठा को देद एवल पणस कठा को देवे आलु को देवेनि एम सबको भल भाव मिक्स करी आपको कभर करी मीडियम फ्लेम रे पाँच रु छ मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती पणस कठा 50-60% पर्यंत सीझी जब ये पाँच रु छ मिनिट हो गला घोड़नी काढ़ी दबा आ गैस बंद करद एम पणस कठा को पानी रु छाणी गोटे बड़ बाउल में काढ़ी दबा मैं सब पणस कठा को पानी रु छाणी एम तरक दबापी गोटे मसला बनवा से मैं गोटे ग्राइंडर जार नहीं गोटे बड़ पियाज को एमती रफली चप करके आठ रु दस पाखुड़ा रसुण नहीं गोटे इंच अदा को एमती रफली चप करके नहीं ग्राइंडर जारे पियाज रसुण आदा को देद मैं ये किसी गोटा मसला पकाच गोटा मसलार मैं दिखंड डालचीनी नहीं गोटे शुखिला लंका नहीं राग दरकार से अनुसार शुखिला लंका ने दीटा गुजराती नहीं दीटा लवंग नहीं गोटे छोट चमच गोलमरीच नहीं ग्राइंडर जार को कभर करदे मसला को भल भाव बाटिद मसला पेस्ट ये रेडी चलतु एवं तरकारी बनवा मैटे गोटे पैन में किसी सोरस तेल को गरम होगा रखी सोरस तेल जगार आपड़ रिफाइन ऑयल नहीं पारे किंतु सोरस तेल में पणस कठा तरकारी टेस्ट बहुत भल लगी थाए सोरस तेल भल भाव गरम होगा सीझे रखि पणस कठा को देद मीडियम फ्लेम रे पणस कठा को लेउटे लेउटे भाजवा जमती पणस कठा भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर भाजी हो पणस कठा ये भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही भाजी एवं इंडक्शन बंद करद मैं गोटे कड़ई में किसी सोरस तेल दे गरम होगा रखी सोरस तेल भल भाव गरम होगापे काटिक रखि आलु को देद एवं स्वाद अनुसार लुण पकईवा आलु को मीडियम टू हाई फ्लेम रे चार रु पांच मिनिट पर्यंत भाजवा जमती आलु भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही भाजी आलु ये भल भाव भाजीगला एवं आलु को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा तेल ये गरम अच्छी मुझे सेम तेल तरकारी बनेबी मुझे गोटे छोट चमच चीनी पकाउची चीनी ये ऑप्शनल अच्छी आपण चाहिए न पक पारती तेल रे चीनी देने तरकारी कलर बहुत भल आसी थाए एवं चीनी को भल भाव मेल्ट होबाको दबा चीनी भल भाव कैरामेलाइज्ड हो गलापर मुझे दुटा तेजपत्र मुझे किसी गोटा मसला दौनि कारण मु गोटा मसला को मसला सहित बाटी एवं एथिरे गोटे मीडियम साइज पियाज को छोट छोट कर काटिकीद एवं सबको भल भाव मिक्स करी आकु भाजिबा पियाज भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही भाजी गलापर आम गैस फ्लेम को लो करद लंका गुंड पकईवा आदा छोट चमच हलदी गुंड पकईवा आपण को जी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकईबे सबको भल भाव मिक्स करी आम को 20-30 सेकेंड पर्यंत फ्राए करवा गुंड मसला को आप अधिक समय फ्राए करें ना गुंड मसला पोड़ 20-30 सेकेंड पर आम एथिरे बाटिक रखि मसला को देद सबको भल भाव मिक्स कर आम को कसवा जमती मसलार कंचा बास्ना पड़ेब
मसला एटी भल भाव कषि गलानी एवं आम मसलें किसी गुंड मसला पकईवा गुंड मसलें मुझे पकई गोटे छोट चमच धनिया गुंड आ देढ़ छोट चमच चिकेन मसला आ जगार आप मीट मसला पकई पारे मुझे एवं गोटे मीडियम सैज टमाटो को एमती लंबा लंबा कर काटिकी टमाटो ये अप्सनाल अच्छी आपत चाहिए न पकई पारती अधिक टमाटो पकईबे एथिरे एबे आमे स्वाद अनुसार लुण पकईबा आपण चाहिले पछरे लुण पकई परिबे एबे आमे एथिरे 2 रु 3 चम्मच पानी देई मसला को भल भाव कसिबा जेमती गुंड मसलार कंचा बासना पळेबो आ टमाटो भल भाव सिझिजिबो आपण चाहिले आकु कभर करी 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करि परिबे एटी 2 रु 3 मिनिट हो गलानी देखिपारे टमाटो ये भल भाव सिझि जा गुंड मसलार कंचा बासना पड़ी एवं आम एजिक रखि आलु आणस को देदबा एवं आम सबको भल भाव मिक्स कर मसला सहित पणस आलु को 3 रु 4 मिनिट पर्यंत कसिबा एमती कसिबा द्वारा तरकारी टेस्ट बहुत भल आसी थाए मैं पणस आलु को 3 रु 4 मिनिट पर्यंत भल भाव कषि एवं आम एबा मुझे अधिक पा दौनी कारण आम ये पणस आलु कषा बनाऊे सबको एवं आम भल भाव मिक्स कर तरकारी को हाई फ्लेम 2 रु 3 मिनिट पर्यंत फुटाप छाड़द तरकारी एटी भल भाव फुटिगलानी एवं आम तरकारी को आउ थे भल भाव मिक्स करदे आपको कभर करी लो फ्लेम 6 रु 7 मिनिट पर्यंत कुक करीबा जमती पणस कठा आलु भल भाव सिझिजी 6 रु 7 मिनिट पर मैं घोड़नी काढ़ी मुझे आपन को देख दौर देखिपारे ये आलु आणस कठा भल भाव सिझि जा एबे आमे तरकारी रे गोटे छोट चम्मच गरम मसला गुंड पकईवा आ गोटे छोट चम्मच घी पकईवा घी एटी ऑप्शनल अच्छी आपण चाहिले न पकई पारंती किंतु थरे एमती पणस कठा तरकारी रे घी पकई कि देखंतु पणस कठा तरकारी टेस्ट बहुत भल आसीबो एबे आमे सबको भल भाव मिक्स कर तरकारी को मीडियम फ्लेम रे गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत कुक करबा एटी गोटे रु 2 मिनिट हो गलानी एबे आमे तरकारी को आउ थरे भल भाव मिक्स करदे आउ गैस बंद करदे आपण चाहिले एटी किछि काटिकी धनिया पत्र पकई पारे पणस कठा आलु कसा एटी रेडी हो जाइछि जदि आपण को ए पणस कठा आलु कसार रेसीपी भल लगि ताकि लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूलें पाखर थे बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे यहाँ मोर जो वीडियो आसीबा आपन प्रथमे देखिपारे थैंक यू फॉर वाचिंग।